एक हाथ दीजिए और एक हाथ लीजिए। हमारी जो सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। किसी काल कोटली में, किसी कालखंड में निषाद का वोट खरीदा है, और ये बात सही भी है कि निषाद का वोट पहले बिका है, और उनको भरम है कि अभी भी हमारे पास पैसा है, और अभी भी आने वाला समय में इस समाज को आरक्षण क्यों दे, जब इस समाज का लोगों का 1500 में 5000 में वोट बिक सकता है। कि मोदी जी, बिहार प्रदेश में निषाद का बेटा का वोट बिकने वाला नहीं है, आप हमारी सुनेंगे तब हम आपकी सुनेंगे। भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो दिल्ली की गद्दी नहीं, ये बातें कही हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने। आपको मालूम है कि मुकेश सैनी इन दिनों संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं। आपको मालूम है कि वो 100 दिनों की संकल्प यात्रा पर निकले हुए हैं, और इसी क्रम में मुकेश सैनी मंगलवार को समस्तीपुर भी पहुंचते हैं, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया है। आपको बता दें कि उन्होंने मंच पर खुली खुली वार्निंग जो है वो बीजेपी को दे डाली है। उन्होंने इशारों इशारों में बीजेपी को, पीएम मोदी को खूब खरी खोटी भी सुनाई है। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, एक बार आप वो सुनिए। आरक्षण लेने में कामयाब होते तो एक कलेक्टर नहीं दर्जनों कलेक्टर निषाद का बेटा होता। तो जरूरी पड़ा है साथियों हम सभी को संघर्ष करने का, और संघर्ष संकल्प लेकर कि हम जब तक इस संसार में जिएंगे तब तक अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आज अगर आप संकल्प नहीं लेंगे तो आने वाला समय में आपके आने वाला पीढ़ी के लिए बहुत कठिन होगा साथियों। अगर आज अगर खून पसीना बहाकर संघर्ष करके अगर अपने काम में कामयाब अगर हो जाते हैं तो आपका आने वाला पीढ़ी जो है वो इस आजाद भारत में सर उठा के जिएगा साथियों। आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा कि आने वाले बच्चे को भविष्य के लिए आप क्या करना चाहते हैं। अगर इस संसार में सर उठा के जीना है तो दो काम करिए, एक काम एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को अपने भाई को पढ़ाइए लिखाइए काबिल बनाइए। दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक आपका कल्याण नहीं होगा साथियों। आज बताइए ना, देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला मुखिया एक है, देश के गृह मंत्री एक है, उसके बावजूद भी हमारे साथ भेदभाव हो रहा, हमें आरक्षण नहीं मिल रहा, जबकि यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा झारखंड ये सब एक ही राज्य था। आज बताइए, बंगाल अलग हो गया बिहार अलग है तो उसका निषाद अलग कैसे हो सकता है। आज पूर्णिया से उधर जाइए बंगाल आएगा, वहां के निषाद को आरक्षण है, और पूर्णिया आ जाइए तो वहां पे निषाद को आरक्षण नहीं है। इसके लिए अगर कोई व्यक्ति अगर इस धरती पर ज्यादा जो दोषी है तो सबसे बड़ा दोषी है निषाद समाज, जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, और एक वो दोषी है सरकार पावर में रहकर जो हमारा काम नहीं किया, वो सेकंड दोषी है। पहला दोषी तो आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष नहीं किए। संघर्ष करके हमने बहुत कुछ पाया है लेकिन जो सपना है वो पूरा नहीं हो पाया है, और सपना एक ही है कि निषाद का बेटा को आरक्षण मिले, एससी एसटी का आरक्षण मिले। हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है लेकिन और भी कुछ हासिल करना है। कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी उम्र बिता देता था, आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं है, टिकट बांटने का काम करता है साथियों। आज 2020 में हम सब मिलकर लड़ाई लड़ा और बिहार में अपने दम पर 4 विधायक बनाया, और बिहार सरकार में अपने दम पर मंत्री बना, ना ही कि किसी के मेहरबानी से बना साथियों। यूं कह सकते हैं कि हमारे सहयोग से, हमारे समर्थन से बिहार में
हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। अगर हम समर्थन 2020 में नहीं देते माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये ताकत हमारे पास है, एक निषाद के बेटा के पास ताकत है साथियों। तो आने वाला समय में चुनाव आएगा साथियों, लोकसभा का चुनाव है। एक तरफ मोदी जी को वोट चाहिए, उनको पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, और एक तरफ विपक्ष को भी प्रधानमंत्री बनाना है, और हमें आरक्षण चाहिए। एक हाथ दीजिए और एक हाथ लीजिए। हमारी जो सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। इस आवाज के साथ हम लोग आगे बढ़े, इस नारा के साथ आगे बढ़े साथियों। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से आज निषाद का बेटा एक पैर पे खड़ा हो चुका है, और इसी तरीके से अगर पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड में खड़ा हो जाए, तो निश्चित तौर पे मैं आपसे वादा करता हूं कि 24 से पहले निषाद का बेटा को आरक्षण लागू हो जाएगा साथियों। जिसके लिए आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। और संकल्प लेने के समय में वीडियो बनेगा, और ये वीडियो मोदी जी तक जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास भरम है कि निषाद का बेटा का वोट बिकता है, क्योंकि उन्होंने किसी काल कोटली में, किसी कालखंड में निषाद का वोट खरीदा है। और ये बात सही भी है कि निषाद का वोट पहले बिका है, चाहे वो चेहरा देख के हो या कुछ खा पी के हो, निषाद का वोट बिका है। और उनको भरम है कि अभी भी हमारे पास पैसा है, और अभी भी आने वाला समय में इस समाज को आरक्षण क्यों दे, जब इस समाज का लोगों का 1500 में 5000 में वोट बिक सकता है, तो हमारे पास पैसा है और पैसे से वो वोट आपको खरीदने के लिए आएंगे। और ये बात को साबित करना पड़ेगा कि निषाद का बेटा का वोट अब बिकने वाला नहीं है। और जिस रोज ये साबित करने पे लग जाइएगा, तो निश्चित तौर पे दिल्ली की सरकार ये बात को मानेगी और आपको आरक्षण लागू करेगा साथियों। तो इसलिए आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हमें भी आप सब बताइए, क्योंकि मैं तो सर पे कफन बांधकर आपके बीच में निकल आया हूं। अभी जरूरी है कि आप संकल्प लेके हमें बताइए, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दिखाने का काम कीजिए कि मोदी जी, बिहार प्रदेश में निषाद का बेटा का वोट बिकने वाला नहीं है। आप हमारी सुनेंगे तब हम आपकी सुनेंगे, अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो हम भी आपकी नहीं सुनेंगे। ऐसे संकल्प आपको लेना है। तो साथियों आप लोग तैयार हो जाइए, आपके हाथ में गंगा जल का बॉटल आया होगा, बॉटल निकालिए और हाथ में चूरू में लीजिए और हाथ को आगे कीजिए। हर एक नेता, जितने भी वीआईपी पार्टी के नेता है, इस सभागार में उपस्थित हमारे युवा नेता, सभी लोग खड़ा हो जाइए, और खड़ा होके और मंच पे भी नेता लोगों को दीजिए गंगा जल, और संकल्प लीजिए, और जो हम पढ़ रहे हैं उसको आप लोग भी दोहराने का काम कीजिए, ताकि मोदी जी तक ये आवाज को पहुंचे और आने वाला समय में उनका भरम टूट जाए। इसलिए आप लोग सब तैयार हैं? चलिए संकल्प मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी दोहराने का काम कीजिए, और जिनको नहीं लेना है वो उस बालकनी में खड़ा हो जाइए, ताकि हमको भी लगे कि हमारी लड़ाई में आप हमारे साथ नहीं है। अगर है तो इस यहाँ पे हर एक माता बहन सभी हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेने का काम कीजिए। चलिए बोतल में मत रखिए, हाथ में लीजिए, पवित्र गंगा माता है, आप लोग लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शहीद जुब्बा सहनी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं
कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि घर घर जाकर अपने निषाद को एक एक निषाद को संकल्प करवाएंगे। जय वीआईपी, जय निषाद समाज, जय बिहार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी छीट लीजिए और शुद्ध हो जाइए। तो सुना आपने, मुकेश सहनी ने इशारों इशारों में बीजेपी को खूब सुनाया है। देखिए साफ कहा है कि जो हमारी बातें नहीं सुनेंगे, जो निषादों की बातें नहीं सुनेंगे, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे। देखिए इशारों इशारों में मुकेश सहनी ने खुली वार्निंग, खुली चुनौती, खुला अल्टीमेटम दे दिया है बीजेपी को। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।